टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को, एक फुटबॉल को, किसी भी चीज़ को फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, इनिशियल किक किया, और ये पैराबोलिक पाथ में ग्राउंड से ग्राउंड की प्रोजेक्शन करेगी। ग्राउंड से ही फेंका, ग्राउंड पे ही गिरी, ऐसा नहीं हो रहा टॉप ऑफ द टावर से नहीं फेंका, ग्राउंड से फेंका। मान लो फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, या फिर प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसा यूज होता है, मान लो आपके पास एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी वेलोसिटी से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। आप ये ना सोचें कि ये वी वेलोसिटी 10 सेकंड बाद हुई या 15 सेकंड, ये किक करते ही वेलोसिटी वी दी आपने। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, मान लो वो वेलोसिटी वी है और एट एन एंगल ऑफ थीटा करते हैं। अब फुटबॉल कैसे जाती है, फुटबॉल ऐसे जाती है, ठीक है, इस प्लेन में जाएगी, तो इनिशियली जब आप इसे हिट करते हैं तो इस फुटबॉल के दो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट, क्लियर है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा वेलोसिटी, ये सब इनिशियल वेलोसिटी है। जब मैंने हिट किया था तो आपने एक फुटबॉल को कहा कि ठीक है तू आगे जा इस वेलोसिटी से और जो ऊपर जा इस वेलोसिटी से, तो कहने का मतलब आपने वेलोसिटी के क्या ले लिए, कॉम्पोनेंट्स ले लिए। तो जब कॉम्पोनेंट्स ले लिए तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं ये एक्चुअल वेलोसिटी को मिटा देता हूँ सिर्फ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो। तो वी वेक्टर के तो मैंने कॉम्पोनेंट्स ले लिए, मैं अपना काम कॉम्पोनेंट्स में करूँगा। ये फुटबॉल आगे जा रही है और साथ के साथ ऊपर भी जा रही है और साथ के साथ नीचे भी आ रही है। तो फुटबॉल की ऊपर नीचे की जर्नी कैसे, आधी जर्नी है ऊपर जा रही है, आधी जर्नी में ये नीचे आ रही है, लेकिन आगे तो हर वक्त जाती ही जा रही है, तो आगे तो जा ही रही है। तो पहला क्वेश्चन, ये आगे जा रही है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो हर वक्त क्या रहेगी, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और यहां पर भी वी कॉस थीटा, ये नहीं चेंज होगी। तो अगर फुटबॉल आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा एंड वी कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें, ये नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अभी तक करते आए हैं। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस में इतनी वेलोसिटी दी गई थी, फुटबॉल ऊपर जा रही है, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी विल डिक्रीज 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 एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे विल बिकम जीरो। तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो शुरू में थी उसकी वैल्यू कम 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 होते होते जीरो, फिर उसके बाद डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ, वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज ऐसे। तो आधे रास्ते में वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा और आधे रास्ते में अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या स्टेप क्लियर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले तो इसको समझाने के लिए लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दी थी उसमें एक एग्जाम्पल भी था, जैसे ये एग्जाम्पल था जो हमने फर्स्ट शीट की थी, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है जहाँ पे, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ और ये एंगल कितना है 60 के साथ, तो प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हैं, पहला 10 cos 60, दूसरा 10 sin 60। पहला स्टेप क्लियर है, 10 cos 60, 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 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम, ये नहीं चेंज होएगी कभी भी। अब y एक्सिस की वेलोसिटी देखें, y की वेलोसिटी थी 10 sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाई टू,
सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 5/√3 यानी कि 86.6। तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, 86.6, अगले इंस्टेंट पर डिक्रीज जैसे 70, 60, 50, 40, 0, फिर इट विल डाउनवर्ड इंक्रीज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आ रही है? जस्ट वर्चुअल वैल्यू लिखी हुई है, ये ऐसा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बस ये समझा रहा हूँ कि अगर ये 86.6 से चली तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कम होते होते जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आने में वो इंक्रीज होती होती इंक्रीज होती जाएगी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो इसे? क्यों वाई एक्सिस में वेलोसिटीज क्यों चेंज हो रही हैं? बिकॉज अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि आप जब आपकी बॉल ऊपर जा रही है आपकी वेलोसिटी वाई एक्सिस की डिक्रीज हो रही है, जब नीचे आ रही है तो वाई के अलोंग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या ये रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली 86.6 थी तो जब ये लैंड करेगी नीचे तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल 86.6 ही होगी। ये रिजल्ट टेस्टेड है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव में टेस्ट किया हुआ है हर जगह। वो क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अलोंग अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 तो टॉप, और मान लो वो प्रोजेक्टाइल या सीधी जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो 20 19 18 करते करते जीरो, जब वो नीचे आएगी तो आपके हाथ में सेम वेलोसिटी से ही नीचे आएगी 20। तो सेम रूल यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, y एक्सिस में 86.6 से गई, 86.6 से नीचे आई, तो ये रिजल्ट को यूज किया जा सकता है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो हर वक्त सेम है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। कोई डाउट इसमें? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें? बिल्कुल एकदम क्लैरिटी चाहिए आपको, तो इसको ध्यान से देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इसी के ऊपर सारा अब चैप्टर चलेगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, वाई की वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, टॉप के ऊपर जीरो करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, एक्स में कोई चक्कर नहीं। तो बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस क्वेश्चन में टॉप के पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है प्रोजेक्टाइल की? जीरो। कैसे जीरो यार, यही तो गलती होगी। जीरो कहाँ है? क्या वो जाके रुक गया, फुटबॉल रुक जाती है? अच्छा फिर वेट करती है, अच्छा जीरो करने, ऐसे होता है? नहीं, आगे बढ़ने तो रुकती नहीं है। तो 10 cos 60 वर्टिकल जीरो, मैंने बोला वेलोसिटी, मैंने ये नहीं कहा वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर जाना बंद कर देगी, आगे जाना बंद नहीं करेगी, आगे तो हर वक्त जाती जाएगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस केस में वेलोसिटी क्या मार्क करेंगे? 10 cos 60। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और वो पूछेगा ये क्वेश्चन, देखना ऑब्जेक्टिव में, सही है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मली इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है।